अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आप मेरी वीडियोस को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, काइंडली से लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो है, हम आए हैं हजामा कराने अंजुम उस्ताद के पास। जी हाँ, अंजुम उस्ताद हमारे बहुत ही प्रोफेशनल हैं और ये हजामा सर्विस देते हैं और माशाल्लाह इनका जिम भी है, ये प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं। तो हम इनकी जिम पे वे लोग अलग से बनाएंगे। अभी हमने जो है हजामे का आज करवाना है, क्योंकि आज जो है तारीख ऐसी है कि इस पर सुनत है करवाना, तो आप लोग भी करवा सकते हैं। और हम आगे का प्रोसेस भी बताएंगे पूरा, स्टेप बाय स्टेप ये कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, थोड़ा सा यूज़ कराते हैं। माशाल्लाह इन्होंने इसका कोर्स भी किया है, प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग करवा सकते हैं, ये करवाना भी चाहिए। तो अंजुम उस्ताद से थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे हजामे की तरफ। जी अंजुम उस्ताद, आप बताइए अपने कैसे आप फेस हैं। अल्लाह तआला में ठीक ठाक हैं। और थोड़ा हजामे के बारे में बताएँ। हजामा सुन्नत है और लाजमी कराना चाहिए हर इंसान को, ज़िंदगी में एक बार लाजमी कराना चाहिए। बाकी ये है कि इससे पिंपल्स वगैरह नहीं होते, अगर बॉडी में अगर पिंपल्स होते हैं, हज़ार किस्म की बीमारियां होती हैं वो नहीं होती, और ब्लड भी साफ़ होता है आपका, डिटॉक्स वगैरह। और जो गंदा ब्लड होता है आपका, वो सारा ब्लड साफ़ हो जाता है। और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो लड़के भी इसमें करा सकते हैं, ताकि उनका अच्छे से अच्छे मसल्स बने, अच्छी से अच्छी तैयारी हो। तो ये लाजमी कराना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया जी भाई आपके प्रोडक्शन का। इंशाल्लाह हम करवाएंगे और व्यूअर्स को भी दिखाएंगे, बाकी का प्रोसेस थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। माशाल्लाह इनके इक्विपमेंट भी बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, और ये देखें आप हाइजीनिक है, बिल्कुल अच्छे इक्विपमेंट, साफ़ सुथरे बिल्कुल। अभी देख सकते हैं फर्स्ट एड किट भी है। तो गाइस ज़रूर आइएगा, अभी हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं स्टेप बाई स्टेप कैसे होता है। ये पॉइंट कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर लगाया जाता है, ये देखें, एक पॉइंट पर लगा चुके हैं। अदान भाई टेंशन तो नहीं है ना? तकलीफ होती है तो ये सारे आपके जो क्वेश्चन हैं उसका आंसर है। देखें कोई ज़्यादातर इन्हीं अच्छा इसी जगह से होती हैं। अच्छा। और बाकी ये है कि ये सारे सुन्नत पॉइंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुन्नत पॉइंट भी हैं इसे बोल्डर में, इनके इसीलिए लगा रहा हूँ मैं, ताकि शोल्डर और बाइसेप वगैरह इनके अच्छे हो जाएं। अच्छा ज़बरदस्त। बड़े आसानी से हो रहा है, बहुत कोई मुश्किल नहीं। मैं भी पहले बहुत डरता था जो बात है, और आज मैं आया अदनान की फरमाइश पे, और वाकई में कोई भी पेन या किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं फील हो रही। अदनान बहुत रिलैक्स है। देख सकते हैं ये यहाँ पे कट्स लगाएंगे, जो इन्होंने वो किया था कैप लगाए थे, अब वहाँ पे कट लग रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग गाइस। अदान कट लगते हुए दर्द तो नहीं हो रहा? देखिए आराम से बिल्कुल अदान जो है वो लेते हैं, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये एक एक करके सब अच्छा। अब जहाँ इन्होंने कट लगाए वहाँ दोबारा से इन्होंने कैप लगा दी, ये देखें, ये देखें कट लगाने के बाद वहाँ कैप लगा दी। अब जो ब्लड होता है, जो डर्टी ब्लड होता है, वो सारा निकल जाता है, जिससे काफ़ी बीमारियाँ, जितनी भी इंटरनल जो भी डिजीज़ होती हैं, वो अल्लाह पाक के हुक्म से चली जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये सुन्नत रसूल है, इसलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म भी दिया है कि जितनी भी आपकी अंदर की गंदगी होती है वो हजामे से निकल जाती है। देखें आप ब्लड करके उस पर एक कैप लगा रहे हैं, सारा ब्लड निकल रहा है, जो जो अंदर का गंदा ब्लड होता है। तो इस तरह करके ये प्रोसेस पूरे कैश होगा। हमारे कोच और से क्लीनिंग कर रहे हैं, ये देखें एक खून निकला ब्लड, और ये क्लीनिंग शुरू हो गई है। तकरीबन 10 से 15 मिनट इन्होंने रखा है इसको, ये देखें क्लीनिंग कर रहे हैं प्रॉपर। जब इसका हजामे का ये कंप्लीट हो जाएगा जी, इसके बाद बस वॉश होगा ही, इसके बाद वॉश होगा और ऑयलिंग भी करेंगे आपने? ऑयलिंग। अच्छा, तो ये आपने देख लिया सारा प्रोसेस के। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बहुत सारे लोग मुझ समय जो कि डरते थे
यार हजामे से बहुत पेन होता है या दर्द होता है, ब्लड निकाला जाता है, सही नहीं है। तो आपके सवाल के जवाब सारे मिल चुके होंगे। तो आज जो है वो डेट इस तरह की होती है कि चांद की तारीख से कुछ ना कुछ लिंक भी होता है। तो आज वो डेट है और हम इसलिए मैं अंदाज की फरमाइश पाया गया, हम चलो हजामा कराते हैं। मैंने कभी नहीं कराया, बहुत सारे सवाल थे मैंने क्लियर किए, अंजुम सर ने जो है सारे चीज़ें क्लियर की, तो अब मैं भी कराऊंगा। तो आप लोग भी आएगा इस कराएंगे, बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत सारी इंटरनल जो आपकी डिजीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, बीमारियां खत्म होती हैं, स्ट्रेस रिलीज करता है ये, और जितना भी आपके माइंड में जो स्ट्रेस होती है, जो डिप्रेशन होता है, उससे भी आपको जो आज़ाद करता है, और आपकी बीमारियाँ जो है उससे भी बहुत ज़्यादा आप जो है करा पाते हैं। इससे ये सुन्नत रसूल भी है, जब भी जो है हमारे नबी ने फरमाया इसका हुक्म दिया है। तो गाइस ज़रूर आइएगा, अंजुम सर का नंबर मैं लगा दूँगा अपनी वीडियो में। तो जो भी कराने चाहते हैं होम सर्विस भी देते हैं और आप जिम में भी आगे करवा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।